हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7N स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए आपको आंशिक भिन्न आना बहुत जरूरी है, तो एक बार आप लोग आंशिक भिन्न की क्लास जरूर देखें। आंशिक भिन्न आपको अगर आती है तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आंशिक नहीं आती है, आंशिक भिन्न सीखिए, उसके बाद एक्सरसाइज पर आइए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहले दो फॉर्मूले आपको करने पड़ेंगे, उन्हें ड्राइव करते हैं, इसके बाद में फिर एक्सरसाइज। तो चलिए पहले दो फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस k। तो देखिए क्या करना है, इसके फैक्टर इजली हो रहे हैं x माइनस के और x प्लस के। जैसा कि हमने आंशिक भिन्न की क्लास में आपको बताया था कि जब हमारे पास में लीनियर फैक्टर्स हो रहे होंगे तो हमें क्या करना होगा, एक तो हम आंशिक भिन्न लगाएं, और अगर आंशिक भिन्न नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी ट्रिक काम आ जाएगी। तो क्या करें, पहले छोटा वाला x माइनस k माइनस 1 अपॉन x प्लस k, इधर और इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन ये ऊपर बचेगा। बैलेंस करने के लिए हमें इतना ही डिवाइड करना होगा, 1 अपॉन 2a इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस a माइनस dx अपॉन x प्लस k। 1 अपॉन 2a और इसका क्या हो जाएगा, log x माइनस a माइनस log x प्लस a प्लस 1 अपॉन 2a log log m माइनस log n log m अपॉन n प्लस a प्लस। तो फाइनली हमें एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x square minus a square then 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus, बहुत इजी फॉर्मूला है, बड़ा आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं इसी तरीके से। जैसे कि दूसरा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, अभी क्या था, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हम क्या करें, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख दें, तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको फैक्टराइज कर लें, a माइनस x प्लस एक्स, फिर उसी तरीके से 1 अपॉन ए माइनस एक्स, और अब की बार बीच में प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आ जाएगा, देखिए जरा, हमें एक्स ऊपर से काटना है ना, इधर जाएगा इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस x 1 अपॉन 2a एंड कितना आ जाएगा, log a माइनस x, x नेगेटिव है तो अपॉन में माइनस 1 प्लस log a प्लस x प्लस c। ये हमारा आ जाएगा, गया फर्स्ट पहले लिख देंगे, log a प्लस x माइनस log a माइनस प्लस, इसे हम 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस। यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया dx अपॉन
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1/2 a log t प्लस एक्स अपॉन टी माइनस। तो एक तरह का क्या करें, नीचे से माइनस कॉमन कर लें, माइनस बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे माइनस टी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो 1/2 a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस टी, ये भी लिख सकते हैं हम। कुछ जगहों पर ऐसा देखा है, इस तरीके से भी फॉर्मूला या आंसर आपका दिया गया, ये भी आपका सही है। देखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेथड की, तो इस इन सवालों को पूरे मेथड से ही लगाइए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/x-3 माइनस 1/x प्लस थ्री, 1/6 1/6, और इसे हम लिखेंगे log x माइनस थ्री माइनस log x प्लस थ्री प्लस थ्री 1/6 log x माइनस थ्री अपॉन x प्लस थ्री प्लस। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो यहां से आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे इसको इस तरीके से लिख लिया 1/2 a, a की वैल्यू 3 हो गई, log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस c 1/6 log x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस, दोनों तरीके से आप कर सकते 1b। Let I is equal to integration df upon 24 minus 6 x square. क्या करना है, 6 को कॉमन कर लीजिए पहले, 6 4 है। अब इसकी देखो भैया सफल जो है बिल्कुल मैच कर रही है हमारी इससे, इंटीग्रेशन ऑफ df अपॉन a स्क्वायर माइनस, अभी अभी प्रूफ किया है बिल्कुल ताजा ताजा, क्या है 1/2 a log a प्लस एक्स यानी 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस प्लस सी 1/24 log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से गणना करना चाहें तो जैसे मैंने ये फॉर्मूला टाइप किया था वैसे ही आप इसको करिए, तो फॉर्मूला करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और स्वाद लगी जाएगा। देखते हैं पहले का सी, लेट आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 7 का तो है नहीं तो इसको रूट 7 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, बस वैसे ही फॉर्मूला सीधा सीधा लगाना है, ठीक है ना, क्या आएगा 1/2 a log x माइनस a, बस बिल्कुल सीधा ध्यान रखना है, जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होगा, और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स माइनस ए यानी माइनस ऊपर आएगा और प्लस नीचे आएगा, ठीक है ना, कितना सा ध्यान रखना है, जब एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस ऊपर आना है नीचे प्लस आना है, और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स निगेटिव है तो वो नीचे आएगा माइनस एक्स प्लस
लेने पर यहाँ कितना आ जाएगा, रूट सेवन, रूट सेवन प्लस थ्री, आंसर आ गया आपका फर्स्ट का डी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस। बहुत ही इजी है जी। अब एक काम करिए, यहाँ पर देखो ये भी कर सकते हैं कि एक्स प्लस थ्री को पुट कर लें, और अगर नहीं पुट करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स प्लस थ्री को अगर हम पुट करें तो डीएक्स बराबर जो भी पुट करेंगे, मान लीजिए टी पुट कर रहे हैं तो डी टी, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखें, डीएक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर टू वन अपॉन टू ए, ए की जगह टू आ गया, लॉग एक्स, अब एक्स की जगह पर पूरा ले लीजिए एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस टू, प्लस सी लेके जा रहे हो गया वन बाई फोर लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव प्लस सी, आंसर आ गया। फर्स्ट का ई पार्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, क्या किया जाए टू एक्स डी एक्स नीचे इसके फैक्टर हो रहे हैं, क्या आएंगे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस, अब क्या किया जाए भाई, फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा आंसर भी बनेगी, एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो तरीका ये है कि भैया यहाँ से आप आंशिक भिन्न करना शुरू कर दीजिए, वही टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, फिर ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, इसको सॉल्व करिए, ये बी की वैल्यू निकालिए, वो यहाँ रखिए और इंटीग्रेट कराइए। हम इसको नहीं है ट्रिक यूज, क्या करें टू एक्स प्लस टू कर लिया माइनस टू, क्या फायदा होगा इसे देखते, इसमें से टू कॉमन किया एक्स प्लस वन डी एक्स ऑन एक्स प्लस वन एक्स प्लस माइनस टू बाहर आ गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस, ये तो भैया कैंसिल हो गया, टू बाहर आ गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू माइनस टू इंटीग्रेशन, यहां पर हमारी ट्रिक अप्लाई हो रही है, इसे हम वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू अगर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो इधर गया ये इधर गया, वन बचेगा कोई दिक्कत नहीं है, इजिली अब हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया टू लॉग प्लस टू माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, इस माइनस से प्लस हुआ टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, ये दोनों गए जुड़, यहाँ कितना आ गया फोर लॉग एक्स प्लस टू माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब देखिए आप अगर यहाँ आंसर ना छोड़ना चाहें तो इसमें थोड़ा काम हम लोग और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस टू होल पावर फोर माइनस लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि आर डी शर्मा की बुक्स जो है, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल वगैरह की जो की बुक्स आती हैं उनमें मोस्टली मैंने देखा है कि लॉग जहां पर आता है तो इंड तक उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कुछ कंपटीशंस में भी जब ठीक करने के लिए आपके सामने होगा तो वहां पर भी इसको थोड़ा सा और ज्यादा ट्विस्ट कर देंगे, है ना, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहे इसलिए मैं इसको और आगे करके दिखाई दे रहा हूँ। क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस टू होल पावर फोर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, यहां तक भी इसको सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम नंबर टू ए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्
एफ प्लस 3f प्लस 2df। तो भैया ये सवाल जो है आपका अभी अभी वन का ई पार्ट हम लोग लगा चुके हैं, वही प्रॉब्लम है दोबारा छप गई है यहाँ पर, है ना। तो अब ये तो आप कर ही लेंगे, है ना, दोबारा से फिर से लगा लीजिए एक बार यूनिवर्सल। दूसरे का ई पार्ट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर आंशिक भिन्न लग रही है, लीनियर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा, जो पहला रूल है उससे लगेगा। आप अगर करना चाहते हैं आंशिक भिन्न से तो पहले आंशिक भिन्न सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। सीधा मेथड, इसको आराम से सॉल्व करिए, ए बी की वैल्यू निकालिए, रख दीजिए। अब बात आप हमारी करेंगे तो हम तो ये नहीं करेंगे भाई, हम इसको ट्रिक से कैसे इन दोनों में से किसी एक के जैसा हम इसको बनाए, है ना। तो प्लस वन बनाना आसान होगा, तो इसको टू एक्स प्लस टू माइनस वन ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। टू कॉमन किया, एक्स प्लस वन डी एक्स अपॉन एफ प्लस वन एक्स माइनस टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस, ये तो गए टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। सॉल्व करके देखिए क्या बच रहा है, वन बाई थ्री, कोई थ्री बच रहा है ना। अब बिल्कुल हम आंसर के पास पहुंच गए, x माइनस टू माइनस वन बाय थ्री लॉग x माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन बाय थ्री लॉग x प्लस वन प्लस थ्री। तो ये दो है, ये वन बाय थ्री है, तो कितना बचेगा, थ्री टू या सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव बाय थ्री लॉग x माइनस टू प्लस वन बाय थ्री लॉग प्लस वन प्लस ये आपका आंसर। देखते हैं दूसरे का सी, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइव एफ डी एफ अपॉन एफ प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस। अब बच्चा देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि क्या किया जाए, तो फैक्टर हो रहे हैं इंटीग्रेशन फाइव एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस। हमारे पास में तीन पद हो गए भैया, जब तीन पद हो गए अब तो मजबूरी हो गई आंशिक भिन्न लगानी ही पड़ेगी। चलिए लगाते हैं आंशिक भिन्न, जो कि हम आपको पीछे की क्लास में पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है अभी तक आंशिक भिन्न को, वो आंशिक भिन्न की क्लास जरूर ज्वाइन कर लें, देख लें, आपको वहां पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया। क्या करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस। शुरू करिए तो फाइव एक्स ए ये कैंसिल हो गया, दो टर्म बचे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस बी, ये वाला कैंसिल हो गया एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू प्लस सी, ये वाला कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। क्या करना है, लीनियर वाला है तो लीनियर में क्या था, डायरेक्ट हम लोग रख लेते थे, तो इसको इक्वेशन वन बना लेते हैं पहले। अब यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस वन इस इक्वेशन में रखेंगे तो माइनस फाइव इज इक्वल टू ए माइनस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू प्लस बी माइनस वन प्लस वन। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख के दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ना भी लिखें
क्योंकि जब हम ए के अपॉन को 0 के बराबर करेंगे तो निश्चित है बी और सी 0 हो जाएंगे। तो इन्हें लिखिए अथवा ना लिखिए, फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पर। -1 + 1 -1 + 2 ये कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। -5 = a ((1)-3, ठीक है ना। तो 0 ही हो गए, इस माइनस से माइनस कैंसिल, a = 5/6। a की वैल्यू मिल गई हमें। इसी तरीके से हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो b के लिए हमें क्या करना होगा, f+2 को 0 के बराबर करेंगे, लिखते हैं f+2 = 0, -2। ये वैल्यू फिर इस इक्वेशन में रखेंगे तो -10 = a - b + 2 - 2 - 2। अब देख रहे हैं ये 0 हो गया आपका, +b - 2 + 1 - 2 - 2 + c - 2 + 1 - 2 +, ये 0 हो गया हमारा, देखिए ये भी 0 हो गया। -10 = b ((-1)-4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर हमें b बराबर क्या मिल जाएगा, -5/2। तो b की भी वैल्यू मिल गई हमें, a की भी मिल गई। अब क्या बचा, c और निकालने को बचा है। चलिए इस जगह पर निकाल लेते हैं c को। तो c के लिए क्या करना होगा, x - 2 = 0, देन f = 2। फिर इस इक्वेशन में रखेंगे तो 10 a (2+2) - 2 + b (2+1) - 2। अब देख रहे हैं c निकाल रहे हैं तो दोनों भी 0 हो रहे हैं, +c (2+1) - 2। 10, ये तो दोनों 0 ही हो गए हमारे। c (3)/4, 2 × 2 = 5, c = 5/6। ओके भाई, तो क्या किया जाए, अब हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में जो है अपने वैल्यू रखते हैं। y इक्वेशन 1 ताकि 5f/1, f+2, f - 2, a की वैल्यू कितनी थी 5/3/(f+1), b की वैल्यू आई थी हमारी -5/2, f+2, और c की वैल्यू जो है वो 5/6। तो इससे भी निकाल की वैल्यू 5/6। (4)+5/6/(f-2) सारा मिला, काम कम्प्लीट। तो आंसर क्या आया था, आंसर क्या जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है उसका आंसर हमें मिल चुका है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है। अब इंटीग्रेशन पे लौटते हैं। तो नाउ i = (integration), अब ये तो था कि जगह पर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 5/3 (dx/(x+1)-5/2) (dx/(x+2)+5/6) (dx/(x+2)। देखिए क्या आया, 5/3 log (x+1)-5/2 log (x+2)+5/6 log (x-2)+, ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं दूसरे का डी। Let i = (integration) 3f(dx)/(x-2)/(x+1)।
देखिए, चाहे तो हम यहाँ पर आंशिक भिन्न लगाएं, अगर लगाना चाहते हैं तो आंशिक भिन्न हम सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे भी पीछे मैंने किया, इसको a अपॉन f माइनस प्लस b अपॉन f प्लस 1 इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि दो पद हैं, हम लोग आराम से ट्रिक लगा सकते हैं, तो इसको ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। क्या करना है, चाहे तो ये माइनस वाला बना लो, चाहे प्लस वाला, जो आपको अच्छा लगे। 3x की बार में ये बनाए -6 + 6 df अपॉन f -1। देखिए ऊपर से 3 कॉमन आ गया, x -2 df अपॉन x -2 f +1 प्लस 6 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, टी बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 6 इंटीग्रेशन, इसे हम 1 अपॉन एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 1/3 डी टू, ये हो गया टी लॉग एक्स प्लस 1 + 2, इसे हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स -2 - 2 लॉग एक्स +1 + 3। तो ये 3 है, ये -2 है, तो एक बचा हमारे पास में लॉग एक्स +1 + 2 लॉग एक्स -2 + 3, और यही हमारा आंसर। तो देखिए आप इसको अगर और आगे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, लॉग एक्स +1 + लॉग एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस सी लॉग एक्स +1 एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये भी आंसर आ सकता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको बहुत सारे सवाल मैंने करके दिखाए हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स थी, एक दो ट्रिक्स भी मैंने बताई है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आप आंसर भी नहीं लगाना चाहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये जो है आपके कुछ विशेष सवालों में ही लगती है, सवालों का तरीका आप जान गए होंगे किन में अप्लाई होगी। अगर आपको आंशिक भिन्न में कहीं भी दिक्कत जा रही है तो आप आंशिक भिन्न की क्लास को जरूर देख लें, दो पार्ट में मैंने आंशिक भिन्न का सलूशन दिया है आप लोगों को, तो पहले और दूसरे दोनों पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही पूरा देखें तो आंशिक भिन्न की आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जब आंशिक भिन्न की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, हर सवाल में बस आपको पार्श्व प्रेक्षण लगाना है और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है, बहुत ही सिंपल है। आज आपकी इस एक्सरसाइज के दो सवाल कंप्लीट हुए हैं, यानी फर्स्ट का के सारे पार्ट और सेकंड के सारे पार्ट। अगली क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 से लगाना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास।